लेकिन मीडिया के इतने लोग एक साथ मैंने पहली बार यहाँ पर देखे हैं। मीडिया बहुत सक्रिय है यहाँ पर, तो मीडिया वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मेरी वीडियो कोई भी चला सकता है, मैं इसको कॉपीराइट फ्री है, मैं किसी के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं डालता। आप लोग जहाँ मन हो वहाँ पर चलाइए, बस मैं जैसा हूँ वैसा ही रखिए। ये मीडिया वाले एडिट कर देते हैं साहब, पता चले कि भाई मतलब ऐसे आप जो है ऊपर से ऐसे शंभू शिखर और नीचे से ऐसे कुछ मल्लिका शहरावत लगा दें तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ये चार लाइन सुनिएगा, आप लोगों को नजर करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लाइक हो रहा हूँ और आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये चार लाइन कि धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, जो कल नहीं बना सके थे आज बना ली, अब ताज महल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने तो हर गली कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। चार लाइनें आप लोग समझेंगे तो कई दिन तक मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो अभी मजा नहीं आएगा, लेकिन समझ जाएंगे तब बार बार आएगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, अब ये है क्या? 56 इंच का सीना सुना होगा, अब ये है क्या? कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। और अगली चार लाइनें आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, निखत जी वहीं से आई हैं, तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पाटे गए। मैंने चार लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते। ये चार लाइन और सुनिएगा, आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने सर मैं सच बता रहा हूँ, एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, अरे वाह, सगी से ही पूछना पड़ता है, दूसरों से पूछने की जरूरत थोड़ी। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। चार लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं। और महफिल सचमुच बहुत अच्छी जमी है। आज जब मैं आ रहा था दरभंगा एयरपोर्ट पर, मैं उतरा, उतरते ही मैंने एयरपोर्ट के बाहर देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। क्या बात है, जोरदार तालियां। एक बात बताओ, ये जो है ये आदमी एक माला तो अपनी तरफ से पहना है, दूसरी माला बोले कि दूसरी प्रतिवादी की तरफ से, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ, किसी और का माला तुमसे क्यों लूंगा, तुम खुद पहनो। हाँ सही बात है, और क्या, नहीं तो देखो एक चार लाइनें सुना देता हूँ मैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा लेकिन मजा पूरा आएगा। कि रमजान का व्रत नवरात का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, ये मैं सुनाना नहीं चाहता था लेकिन वो जब उधर से आवाज आई कि प्रतिवादी आपको माला पहनाना चाहती है तो मुझे कि नवरात का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है चार पत्नियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए, ये सुनते
ये सुनते ही चार लाइन और सुनिएगा, ये सब ऐसे ही है बस। नहीं नहीं मैं फिर से नहीं करता, अरे फिर से भादों की छोड़ो वो, नहीं नहीं करता ही। अरे भाई, अरे भाई फिर से होता ही नहीं हमसे। अगली सुनो, इससे ज्यादा अच्छी है वो। नहीं देखो ये मजाक की बात थी, वो हमारी छोटी बहन की तरह है, बस हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया, इस बात को बिल्कुल ऐसे ही डिलीट करना। क्या दोबारा, तुमको पता है दोबारा दोबारा के चक्कर में जो भारत की आबादी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे होगी, दोबारा। दोबारा कुछ और सुनो, देते हैं जब चाहो तो दो टूक देते। देखिए अभी जो हमारे मतलब हमसाया हमारा मुल्क जो पाकिस्तान, उस बेचारे की हालत इतनी बुरी हो गई है, मतलब अफगानिस्तान तक उसको इतनी बुरी हालत हो गई है। चार लाइन इसका मजा लीजिए, मैंने 20-25 साल पहले लिखा था, लेकिन अब कई कई लोग सुनाते हैं उसको अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं इसको आपको सुनाता हूँ। बिहार की तरफ से पाकिस्तान को अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ से बिना किसी बम के बिना किसी पटाखे के चार लाइनों में निपटा दिया, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा कि देते हैं जब जवाब तो दो टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी फूंक देते हैं, जितने की दाल रोटी दुखाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के फूंक देते, उतने बिहारी खैनी खा के, उतने बिहारी। क्या पर्ची आई है क्या? अच्छा ये पूछ रहा है सर आप बिहार छोड़ के दिल्ली क्यों गए? क्योंकि यहाँ शराब बंद हो गई। जब से मैं दिल्ली गया दिल्ली वाले खुद एक एक करके बंद हो रहे हैं। लेकिन सर मैं बताऊं किसी, ये भाई देखो इस चक्कर में मत रहना, बिहार में भगवान और शराब एक जैसे उपलब्ध हर जगह है, बस दिखते नहीं है, और जिसको भी मिल जाता है वो अपनी मस्ती में दूसरे को पता नहीं बताता है। ये चार लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हास्य कवि हूं, लेकिन जो अच्छी और सच्ची शायरियां इस मंच पर हुई है, एक बार आप उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये अंडा ठारी मेरे लिए आना बड़े ही सौभाग्य की बात है, और आप सब आज की रात में सुन रहे हैं, ये आपका भी परम सौभाग्य है। कई लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी किस्मत पे मुझे मतलब दया आती है, इतनी रात को तुम्हें मुझे मेरी वीडियो बनानी पड़ रही है, सोचो कि कैसी किस्मत होगी। चार लाइन, लेकिन रात को ये वीडियो बनाने की आदत मत डाल लेना, नहीं तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हाँ आदत पड़ जाएगी, पता चले आज तो मुशायरा कवि सम्मेलन है, आज वीडियो बना ली, कल रात को कहाँ परफॉर्म होगा कि कहाँ वीडियो बनाओगे, कौन बोल रहा है, चुप करो, यहाँ पे हम है ना बोलने के लिए, हमारा बाजा दिया तत्तिक बाजा भाई से, क्या बोल रहे थे, एक घंटा सुनाना अभी तू बता देना कितनी देर सुनाना है। चार लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। अब पिज्जा बर्गर तो हमने खुद मंगाया, लेकिन मिठाई कैसे मंगवाएंगे, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लगी, बोली जी नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए एक दवाई है, चाट पापड़ी के लिए दो दवाई है, गजक नमकीन के लिए तीन, गोल गप्पों सब कुछ की दुकान पर मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी मैंने एक दवाई है, लड्डू लेने के लिए एक दवाई है, बर्फी लेने के लिए दो दवाई है, जलेबी लेने के लिए तीन दवाई है, रसगुल्ले लेने के लिए चार, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने फिर एक दवा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दवाई, मोती चूर के लड्डू लेने के लिए दो दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए तीन, तिल के लड्डू के लिए चार, मुझे बेसन का चाहिए था मैंने फिर एक दवा दिया, एक किलो लेने के लिए एक दवाई, दो किलो लेने के लिए दो दवाई, तीन किलो के लिए तीन, सौ किलो के लिए चार, एक दवा ना था गलती से चार दवाई। मैंने वही किया जो आप सब करते, मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। एक मिनट बाद कॉल बैक आ गया, बोले नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं,
घर में हम नौ भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए दो दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए तीन दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। चार लाइन और सुनिएगा, आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो चार लाइनें मैं आपको बहुत अच्छी सुनाता हूँ। हालांकि अब तक जो सुना रहा था वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन चार लाइनें मैं आपको सबसे अच्छी सुनाता हूँ। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अब इस गजल की अभिमंत्रित गजल है, इस गजल के सारे शेर अच्छे थे। अब देखिए एक एक शेर सुनना आप इसके। कि चीनी को जमा करके, मैं तो अद्भुत सच बता रहा हूँ, अद्भुत क्लास में जहाँ पर कहा बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तुम ही खड़ा होगा। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो मा ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, मैं तो सोजा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी वैज्ञानिकों ने दो मिसाइल दे दी, मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक दी। चीनी को जमा, इस बात पे पूरी जगह बहुत दाद मिलती है, जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा खामोश हो गए। मैं सच बता रहा हूँ, गणित का अध्यापक आए और बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है।